8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। गुजरात के अंदर ये सारे सर्वे फेल होंगे, आज आप लिख लीजिए, सारे सर्वे फेल होंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अगर तय है तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। गुजरात के अंदर 27 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है और बीजेपी इस बार बुरी तरह हारेगी। भारतीय जनता पार्टी की 38% से कम वोट आएगी, पिछली बार 49% आई थी, 11% गिरेगी, उससे भी कम आएगी 38% से। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में बीजेपी जाए छे, आम आदमी पार्टी आवे छे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईबी की रिपोर्ट बोल रही है और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि सूरत की 12 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। तीन लिखे हैं मैंने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, तीनों जीत रहे हैं। प्रिडिक्शन मैंने किया ना कि 38% से कम वोट आएगा बीजेपी का, 5% से कम सीट आएंगी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, मैं जो कहता हूँ वो होता है। पिछड़ा है, मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, मैं जो कहता हूँ वो होता है। A few moments later. Huh?